ओम शांति। आज की तारीख है 11/11/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हमें कौन से शौक रखने चाहिए वह भी सिखलाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि हमें ब्राह्मणों को कौन सा शौक रखना चाहिए। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो, अगर तकदीर को ऊंचा बनाना है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं दी? उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, हाँ बाबा रूहानी बाबा कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। माना हमारी चाह ना हो न हो, हम थक जाएं, चाहे तो हमारे सामने कितनी भी परीक्षाएं आए, परंतु हम मेहनत ऐसी करें जैसे हम अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो, यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, उनकी तकदीर भी ऊंच बनती जाएगी। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, एक दो को मान सम्मान देना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। पहले प्रभु से हमें ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, क्योंकि प्रभु है ज्ञान रत्नों का सौदा करने वाले रत्नागर। तो रत्नागर से ज्ञान रत्न मिलते हैं, हम जमा करते हैं, झोली भरते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर ये जो झोली में जमा करते हो उसका दान करो। नंबर दो है, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है, दूसरी ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। एक बाबा की याद होगी तो सभी बातें भूल जाएंगी, परंतु सभी बातें याद रखेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है? बाबा कहते हैं सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए क्या करें? बाबा कहते हैं सदा मुख अपना ज्ञान सूर्य के सन्मुख हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।